कर लीजिएगा। Welcome student, very good morning to everyone. Here is a YouTube channel from MDMS Araria. So we are talking about, here it's our biology class, and we are talking about the introductory part of the cell. Okay, we are discussing about the introductory part of the chapter cell. Okay, so first of all, we need to know what is cell. ठीक है ना, तो cell means, the word cell means actually small room. Okay, the word cell means small room. मतलब क्या हुआ कि it's a kind of structure, is a kind of compact structure which seems like a room where every important substances are incorporated, okay, and that is too much important to our body, which is too much important and which is very much important to our body, right? So the word cell means small room. ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, एक घर जिसके अंदर बहुत सारे substances, बहुत सारे important substances क्या होता है at a time incorporated रहता है, और जिसके थ्रू, मतलब इसके हेल्प से क्या होता है, बॉडी का जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होता है. ठीक है ना, एंड अल्टीमेटली बॉडी जो है वो क्या हेल्दी रहता है, राइट. नाउ हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में. इस पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द definition of the cell. हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द सेल, हु डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, वेल तो पहला पॉइंट हम लोग जाएंगे कि सेल क्या है. ठीक है, पहला अगर हम लोग अगर इसका डेफिनेशन चाहो या इसका फंक्शनल एक्टिविटी क्या है, सारे कुछ एक पॉइंट में समाप्त हो जाता है. जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट of a living organism. ठीक है, of a living organism, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं cell. ठीक है, अगर पूछेगा कि what is the definition of the cell, ठीक है ना, तो तुम लोग ये point ये लिख सकते हो, right? जहाँ पे तुम लोग क्या बोलोगे, the structural and the functional unit of a living organism is called cell. Okay? तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाएगा, why it is called structural, और सेकंड क्वेश्चन ये आ जाएगा, why it is called functional, right? तो पहला पॉइंट आ जाएगा why it is called structural, और सेकंड क्वेश्चन ये आ जाएगा why it is called functional, right? So हम लोग पहला पॉइंट में अगर डिस्कस करेंगे why it is called structural, तो डिस्कस करेंगे अगर स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में, व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल, तो यह हो जाएगा कि सेल स्ट्रक्चर जो है वो सेल स्ट्रक्चर एक्युमुलेट करके एक ग्रुप बना के क्या फॉर्म करता है, टिश्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, राइट, टिश्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ओके, एक सेल स्ट्रक्चर, उसके साथ बहुत सारा सेल स्ट्रक्चर एक साथ एक्युमुलेट करके, ठीक है ना, accumulating each other, they made a structure which is known as tissue, right? And then by accumulating the tissue structure, they made organs. By accumulating the tissue structure, they made organs, right? And then ये जो organ structure है, ये क्या करता है? Organism form करता है. ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, राइट. मतलब सिंपल में बताए तो एक बॉडी
एक बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी अगर हम लोग, एक ह्यूमन बॉडी अगर हम लोग क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं, ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी का जितना भी ऑर्गन्स है लाइक his hands, legs and the facial part and then the internal organs also like heart, liver, kidney etc etc, तो सारे जो organs है किससे form से formation कैसे होते हैं, tissue से, और tissue कहाँ से आते हैं, cell से, right? तो बहुत सारा cell structure एक साथ मिलके क्या बनाता है, tissue, and then बहुत सारे tissue structure एक साथ मिलके बनाता है organs, और ऑर्गन एक साथ एक्यूमुलेट होके बनाता है ऑर्गेनिज्म या एक पर्टिकुलर बॉडी, राइट, एक पर्टिकुलर बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आ ऑर्गन, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट, समझ गए होगे सब। तो स्ट्रक्चरल यूनिट हमने क्या क्यों बताया, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट होकर बना रहा है टिश्यू स्ट्रक्चर एंड देन इट फॉर्म्स द ऑर्गन, राइट, एंड ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनिज्म और अ पर्टिकुलर बॉडी, राइट, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ हम लोग मूव करेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल, व्हाई इट इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट। इसके पहले हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेंगे, लेट्स अस्यूम कि तुम एक ट्रेन में बैठे हो, राइट, एंड देन ट्रेन मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो तुम भी मूव नहीं करोगे, राइट, इफ दैट ट्रेन इज नॉट मूविंग देन यू आल्सो नॉट मूविंग, ओके ना, सो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर ट्रेन का जो इंजन है, इंजन का पीछे क्या रहता है, उसका सारे जो बॉगी होता है, बॉगी पार्ट्स रहते हैं, राइट, बॉगी पार्ट्स रहते हैं, पहले उसका हो गया ट्रेन का इंजन, उसके बाद उसका जितना भी बॉगी है वो सारे बॉगी रहता है, राइट, और इस कोई भी एक बॉगी के अंदर तुम बैठे होगे, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बॉगी में तुम बैठे होगे, ठीक है, अगर ये इंजन मूव करेगा तो क्या होगा, ये बॉगी सारा मूव करेगा, राइट, उसके पीछे पीछे मूव करेगा और उसके अकॉर्डिंगली तुम भी मूव करोगे, राइट, तो यहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ, यहाँ पे भी सेम फंक्शन, मतलब यहाँ पे भी सेम फंक्शन होता है सेल के बारे में, कि अगर सेल काम करेगा, सेल अगर ढंग से उसका जो फंक्शन है उसको कैरी करेगा, उसको परफॉर्म करेगा, तो क्या होगा, टिश्यू परफॉर्म करेगा, राइट, और अगर टिश्यू परफॉर्म करता है अच्छे से, उसका जो फंक्शन है उसको कैरी करता है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेन्स सारे जो है वो ऑर्गेन्स काम करेंगे, ठीक है, और ऑर्गेन्स काम करता है तो अल्टीमेटली क्या है, बॉडी जो है, जो अपना बॉडी का जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है ना, बॉडी का जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जो एक्टिविटीज होते हैं, बॉडी उसको परफॉर्म कर पाएगा, राइट, तो फंक्शनल यूनिट क्यों बोले हम, बिकॉज अगर सेल फंक्शन करता है, सेल अगर प्रॉपरली फंक्शन करता है तो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली टिश्यू फंक्शन करेगा, ओके, एंड देन अगर टिश्यू ढंग से फंक्शन करता है, टिश्यू अगर प्रॉपरली जो उसका फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है, तो ऑर्गेन्स सारे जो है वो परफॉर्म करने लगेंगे अच्छे से, और अगर ऑर्गेन्स अच्छे से काम करता है तो अल्टीमेटली द होल बॉडी विल वर्क सो डेफिनेट, सो प्रॉपरली, एंड ऑल द एक्टिविटीज विल कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना, समझ गए। तो पहला जो पार्ट हमने बताया कि why it is called structural and why it is called functional, ये हमको पता चल गया, आई होप तुम लोगों को भी ये समझ में आ गया, ठीक है, तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे सेल का, कि द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल, ठीक है, और उसमें हम लोग क्यों स्ट्रक्चरल है वो भी हमको पता चल गया, और क्यों फंक्शनल यूनिट इसको बोलते हैं वो भी हमको पता चल गया, राइट, अभी हम लोग नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे। जैसे हम लोग ये जान गए कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग जान गए, उसका डेफिनेशन में उसका जो स्ट्रक्चरल नेचर है और उसका जो फंक्शनल नेचर है वो उसमें क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होके रहता है। अगर तुमको डेफिनेशन याद रहेगा तो तुम इजिली उसको डिफाइन कर सकते हो, राइट, ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोसीड करेंगे, द नेक्स्ट पार्ट इज द डिस्कवर, ठीक है ना, डिस्कवरी पार्ट ऑफ द सेल, हु डिस्कवर द सेल, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है हु डिस्कवर द सेल, तो यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट हुक
in 1665 discovered the cell structure. Robert Hooke, हम spelling वहाँ पे लिख दे रहे हैं. Robert Hooke, right? Robert Hooke in 1665 discovered the cell structure. कैसी सेल स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड की, ये भी एक बहुत अच्छा स्टोरी की तरह याद रखोगे. ये एक स्टोरी है, अगर स्टोरी की तरह याद रखोगे तो ये देखना एकदम बहुत अच्छे से याद आएगा. कैसे डिस्कवर्ड हुआ था, रॉबर्ट हुक एक मतलब उनके टाइम पे क्या कर रहे थे, एक बार एक माइक्रोस्कोप लेके एक कॉर्क टिश्यू को देख रहे थे. राइट, लाइट कॉर्क टिश्यू को देख रहे थे. कॉर्क टिश्यू क्या है सर? कॉर्क टिश्यू ये होता है जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज का जो बार्क का पार्ट होता है, स्टेम ये हो गया ट्री, ठीक है. अब इसका जो बार्क पार्ट है इसमें कुछ डेड सेल से बना हुआ टिश्यू फॉर्मेशन होता है, इसमें कुछ डेड सेल से बना हुआ टिश्यू फॉर्मेशन होता है. राइट, उसको हमने क्या नाम दिए हैं, उसको हमने नाम दिए हैं कॉर्क टिश्यू. अब यही कॉर्क टिश्यू को लेके एक बार क्या कर रहा था रॉबर्ट हुक, एक माइक्रोस्कोप अंडर द माइक्रोस्कोप उसको क्या कर रहा था, उसको देख रहा था. राइट, अब उसमें उसको क्या नजर आया, जो कॉर्क टिश्यू में उसको क्या नजर आया, वो ऐसे एक स्ट्रक्चर उसको वहां उनको दिखे. राइट, ऐसे स्ट्रक्चर दिखे. राइट, ठीक है. जैसे अगर मतलब इसको अगर डिफाइन करें, इट्स लुक लाइक अ हनीकॉम, इट्स लुक लाइक अ हनीकॉम, हनीकॉम की तरह दिखने में होता है. मतलब जो हनी होता है ना, बीज जो होते हैं उसको, वो जो पेड़ में जो बनाता है ना, लाइक ये स्टेम है, ये पेड़ में ऐसे हनीकॉम बनता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर वहां पे दिख रहा है. राइट, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, हनीकॉम स्ट्रक्चर दिख रहे थे अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप. ये हनीकॉम स्ट्रक्चर का इंडिविजुअल जो पार्ट है, ये इंडिविजुअल पार्ट, इसको ही रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिए सेल. ओके, ये जो इंडिविजुअल पार्ट है हनीकॉम का, लाइक दिस एंड देन दिस एंड देन हियर इट इज. ओके, those individual parts or those individual compartments are known as or are named as the cell, right? तो ये तो हो गया discovery of the cell, ठीक है? तो discovery of the cell कहाँ से हुआ? Robert Hooke via the tissue structure of the cork. Robert Hooke discovered the cell structure, ठीक है ना? The individual compartment of that particular area is of that particular area which shown under the microscope is known as cell, right? Okay. तो ये हो गया डिस्कवर पार्ट, ठीक है. अब हम लोग क्या हो जाए, हम लोग अच्छा तुम लोग को यहाँ पे क्या याद रखना है, पहला हो गया सेल का डेफिनेशन, सेल का डेफिनेशन याद रखोगे, ठीक है, डेफिनेशन याद रखोगे. नेक्स्ट क्या याद रखोगे, डिस्कवर कौन किया था ये याद रखोगे. नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि उसका नेचर जो है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे. नेचर में पहला पॉइंट ये हो जाएगा नेचर, नेक्स्ट आ जाएगा नेचर. राइट, नेचर में हम लोग पहला पॉइंट क्या देखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है ना. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली कहाँ, किससे फॉर्म होता है, सेल स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है, ठीक है. तो पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. दूसरा पॉइंट वही हो जाएगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी उसका एक कैरेक्टर या नेचर में तुम लिख सकते हो. तीसरा पॉइंट हो जाएगा ऑल सेल्स आर बॉर्न आउट फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. मतलब क्या है, एक जो नया सेल क्रिएट हो रहा है, न्यू सेल, इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यू सेल, और इसका हम लोग ऐसे नाम दे सकते हैं कि डॉटर सेल. राइट, अब ये इसका ये कहां से आ रहा है, ठीक है ना. तो ये कहां से आता है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है मतलब पहले से जो सेल है वही सेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल. राइट, पेरेंट सेल, ठीक
ठीक है, यही पेरेंट सेल डिवाइड होके क्या करता है, डॉटर सेल को बनाता है, राइट। लाइक यहाँ पे देखो दो डॉटर सेल बना, ठीक है, एक पेरेंट सेल वो डिवाइड होके दो सेल बनाता, ठीक है ना। फिर जो डॉटर सेल है वो फिर डिवाइड करता है, फिर वो और एक सेल स्ट्रक्चर और न्यूली फॉर्म सेल स्ट्रक्चर को बनाता है, ठीक है ना। तो क्या है, पेरेंट सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो आगे से ही एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल वहां से क्या बन रहा है, देखो डॉटर सेल बन रहा है जो क्या है, न्यूली फॉर्म्ड सेल, राइट। एंड देन द डॉटर सेल आल्सो डिवाइड आफ्टर द सेकंड टाइम एंड इन दैट टाइम दे आर नोन एज पेरेंट सेल। जब ये लोग डिवाइड करेगा तब ये डॉटर सेल का नाम क्या हो जाएगा, पेरेंट सेल हो जाएगा, राइट। एंड देन द न्यूली फॉर्म सेल आर नेम्ड एज डॉटर सेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक सेल का नेचर या कैरेक्टर, जहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि नया सेल का जन्म ऐसे होता है, नया सेल का जन्म प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, मतलब आगे से जो सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बॉडी में वही से नया सेल का जन्म लेता है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग सेल का टाइप में थोड़ा देखेंगे कि सेल का टाइप हम लोग कैसे बता सकते हैं। सॉरी, इसको हम डेफिनेशन डिस्कवर, नेक्स्ट हो गया नेचर, नेक्स्ट हो गया टाइप, अब हम लोग टाइप में देख लेंगे, ठीक है। If we talking about the number of the cell present in an organism, ठीक है ना, हम लोग अगर क्या करें कि number of the cell का हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि अगर cell single number में present है, मतलब in an organism if there is a single cell, ठीक है, if in a organism अगर कोई organism में एक single cell present होता है, मतलब एक ही cell present है, right? तो उसको हमने क्या, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको हम लोग नाम देंगे यूनिसेलुलर, राइट। उसको हम लोग क्या नाम देंगे, यूनिसेलुलर, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, यूनिसेलुलर। तो अगर सेल टाइप में अगर आएंगे, अगर सेल टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे, इफ वी टॉकिंग अबाउट द सेल टाइप, ठीक है ना, किसका हिसाब से इसका हम टाइप बना रहे हैं, हिसाब ये है कि नंबर ऑफ द सेल इसका हिसाब से इसका टाइप बना रहे हैं, राइट। इसका हिसाब से इसका टाइप बना रहे, ठीक है। अगर सेल टाइप किसके हिसाब से बना रहे हैं, नंबर ऑफ द सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इसके हिसाब से अगर उसका टाइप बना रहे हैं तो ये दो टाइप का हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा यूनिसेलुलर और दूसरा ये हो जाएगा मल्टी सेलुलर, राइट। दूसरा ये हो जाएगा मल्टी सेलुलर। आई होप तुम लोग इसका मीनिंग समझ चुके होगे कि अगर एक सेल प्रेजेंट है, यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और वन, ठीक है, और मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब ये होता है कि मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यूनि का मतलब होता है कि ओनली सिंगल और वन सेल स्ट्रक्चर, राइट, और मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर एक टाइप एक सेल प्रेजेंट है बॉडी में या ऑर्गेनिज्म में तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर, और एक से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनिमल लिख सकते हो, पैरामीशियम लिख सकते हो, ये सारे क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर जो सेल स्ट्रक्चर है यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में एक एग्जांपल हम लिखेंगे अमीबा, ठीक है, और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तुम अपने को ही ले लो, ह्यूमन बॉडी, राइट। ह्यूमन इज एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अमीबा इज एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। ना हम लोग नेक्स्ट एक बार देख लेंगे, एक दूसरे टाइप के बारे में हम लोग देख लेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ द सेल, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द सेल का हिसाब से हम लोग एक टाइप बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, वी टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सेल एंड द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इनसाइड द सेल,
we are talking about the development of the cell and the organelles present inside the cell, so we can divide the cell structure into two forms, right? The prokaryotic तो सेल स्ट्रक्चर जो है क्या हो गया, पहला पॉइंट हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यूकैरियोटिक। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि यूकैरियोटिक, राइट। तो अगर हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अगर बोल रहे हैं, सेल का टाइप में हम लोग अगर बोल रहे हैं और उसका डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें अगर इसको तुम डिवाइड करते हो ना, इस वर्ड को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको दो जैसे वर्ड मिलेंगे, जैसे क्या देखो, एक हो गया प्रो और दूसरा मिल जाएगा हमको कैरियन, राइट। यहाँ पे भी सेल एक होगा यू और दूसरा क्या मिल जाएगा हमको कैरियन। ठीक है, प्रो का मतलब क्या है, प्रो का मतलब होता है कि जो ओल्ड सेल स्ट्रक्चर है, अनडेवलप्ड सेल स्ट्रक्चर है, ओल्ड सेल स्ट्रक्चर या प्री फॉर्मेशन, राइट। प्रो कहां से आया, प्री से, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव ये वर्ड से आया ये प्रो, राइट। इसका मतलब है जो सेल, मतलब those type of cell which don't have development structural representation, they are called prokaryotic cell। मतलब क्या हो गया, इसको अगर simple way से बताए कि कुछ cells होते हैं जहाँ पे ना उसका cell जो inner structure है, जैसे cell organelle, cell की जो inside में जो structure होता है, ना वो developed condition में present होते हैं, ना उसका nucleus जो है, nucleolus जो है वो डेवलप कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो डेवलप नहीं रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो डेवलप कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर, राइट। और यूकैरियोटिक क्या हो जाएगा, इफ द न्यूक्लियस एंड द सेल ऑर्गेनेल्स आर इन द डेवलप्ड कंडीशन, आर इन द डेवलप्ड कंडीशन, सो इन दैट टाइप दोस टाइप ऑफ सेल आर नोन एज यूकैरियोटिक। ठीक है, यू का मतलब क्या हो जाता है, यू का मतलब होता है न्यू और कैरियन का मतलब क्या है, सेल। ठीक है, यहाँ पे भी कैरियन का मतलब क्या है, सेल। ठीक है, तो न्यू सेल मतलब क्या है, न्यू डेवलप्ड सेल, जिसमें क्या है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी डेवलप्ड है और जो सेल ऑर्गेनेल्स जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन द गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर इन डेवलप्ड कंडीशन एंड प्रेजेंट ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू सेल स्ट्रक्चर और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो हमने दो टाइप, मतलब दो टाइप देखे, एक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर और एक देखे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, दो सेल टाइप। अब हम लोग इनर साइड ऑफ द सेल में हम लोग प्रोसीड करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका देखेंगे आगे क्या होता है। ओके, इनर साइड ऑफ द सेल में अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो क्या है, सेल, सेल इसका प्रोटोप्लाज्म, जो भी इनसाइड ऑफ द सेल है उसको हम लोग एक्यूमुलेट करके, सम अप करके, एड अप करके हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, राइट। जो भी इनसाइड ऑफ द सेल में है उसको हम लोग एड ऑन करके, एक्यूमुलेट करके हम लोग क्या बताते हैं, प्रोटोप्लाज्म, राइट। अगर ये प्रोटोप्लाज्म को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा हमको सेल मेम्ब्रेन, एक मिल जाएगा हमको सेल मेम्ब्रेन और दूसरा हमको मिल जाएगा
दूसरा हमको क्या मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म, और तीसरा पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर सेल का जो इनसाइड में जो कुछ भी है उसको हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, प्रोटोप्लाज्म, राइट। फिर प्रोटोप्लाज्म को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, उसको अगर बाइफर्केटेड करेंगे तो हमको ब्रांचेस बनाएंगे उसका, तो हमारा हमको क्या मिल जाएगा, पहला मिल जाएगा सेल मेम्ब्रेन। नाम से ही पता चल रहा है कि एक सेल स्ट्रक्चर है, एक सेल स्ट्रक्चर है उसका जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है, राइट, उसको हमने क्या नाम दिए, क्या नाम दिए हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है ये, अच्छा हम लोग तीसरा पार्ट को पहले देख लेते हैं, न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस जो बीच में सेंट्रली लोकेटेड होता है सेल का, जो सेल का ब्रेन स्ट्रक्चर है, सेल का जो एक्टिविटीज है, वो एक्चुअली कौन उसको मतलब उसको ऑर्डर कौन देता है, ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर गिव्स ऑर्डर टू ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स एंड दे विल परफॉर्म अकॉर्डिंगली एंड देन द सेल विल वर्क, ठीक है। ओके, तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उसका क्या है, ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का बीच में जो पोर्शन होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का बीच में जो पोर्शन होता है उसको हमने क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, राइट। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का बीच में जो पार्ट मतलब सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जो व्यू हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसको हमने क्या नाम देंगे, साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म में सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जो मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारे प्लास्टिड्स, सारे सेल ऑर्गेनेल वहां पे प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्मिक एरिया में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो सेल का इनर साइड में जो कुछ भी है सब मिला के हमने उसका क्या नाम दिए हैं, प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो उसको हमने क्या नाम देंगे, नाम दिए हैं सेल मेम्ब्रेन एंड देन साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लिए, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सेल का जो हम लोग इनर स्ट्रक्चर जो है, वो भी हम लोगों का डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब उसको एक्सप्लेन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो दैट इज अ इंट्रोडक्शन क्लास अबाउट द सेल स्ट्रक्चर फॉर द क्लास 8। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और कंटिन्यू। Okay, thank you, class.